तो पंजाब में अब चुनाव करीब हैं, ऐसे में सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसी के तहत लुधियाना में बीजेपी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट के जरिए लोगों से बीजेपी का सदस्य बनने की अपील की जा रही है। वहीं जब इस दौरान अश्विनी शर्मा से पूछा गया कि क्या भविष्य में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन कर सकती है, तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि बीजेपी किसी भी भ्रष्ट के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार का भी एक वोट है और देश के हर एक प्रदेश का एक एक वोट है। सभी लोग सर्वसम्मति से मिलकर के ऐसे विषयों पर निर्णय करते हैं। राज्यों के सरकारों को, राज्यों के विभिन्न राज्यों के सरकारों ने जो प्रतिवेदन दिए उसके आधार पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये विषय रखा गया था। पंजाब के वित्त मंत्री सहित सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया कि ये जीएसटी बढ़ाई जानी चाहिए। अब पंजाब की सरकार इस पर राजनीति क्यों कर रही है? अगर पंजाब के लोगों का इस पर विरोध था तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपको पंजाब की सरकार को ये प्रश्न करना चाहिए और पंजाब के वित्त मंत्री को ये प्रश्न करना चाहिए कि उन्होंने उस समय में क्यों करके इसका समर्थन किया था।